ऐसा है कि ऐसा यार कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कसम से बता रहा हूँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे ना अपने GoPro को ना निकालना पड़ेगा। अगर GoPro में कुछ हो गया ना मेरे को लगता है बार बार मैं बंद हो रहा है रुक रहा है, बार बार बंद हो रहा है रुक रहा है। भाई आज ना हम काउंट करेंगे, पहले क्या काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे टैनल कितनी है लगती है। टैनल नंबर 2 भैया, टैनल नंबर 3 ओके। सस्ता दी हो गई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? अगर आवाज़ नहीं भी आ रही होगी तो ज़रूर आ जाएगी। तो आज कहाँ चल रहे हम? आज चल रहे हैं हम मनाली। तो इस बार जो है विंटर मनाली कर दिया हमने स्टार्ट। तो विंटर मनाली जो है चलेगी इस बार सीरीज में हम कवर हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमेशा की तरह बाइक रेडी करते हैं और फिर उसके बाद में निकल पड़ते हैं अपने सफ़र के ऊपर में। सो लेट्स गो कम ऑन। हमेशा की तरह ना कोई इस तरफ और ना ही कोई इस तरफ, और हम अपनी बाइक खड़ी करते हैं नीचे की तरफ। चलो तो लेट्स गो। तो सबसे पहले लगा लेते तो अपनी ये पुट्टी, क्योंकि बाइक रेडी करना बहुत ज़रूरी है। तो बाइक रेडी करते हैं पहले। बचपन में जब स्कूल कॉलेज जाया करते थे तब ये सोचा करते थे कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, कुछ ना कुछ सरकारी अफसर जरूर बनेंगे। लेकिन आज बड़े होकर ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो बड़ा होकर यार आवारा बन गया हूँ। आवाराओं की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ, आवाराओं की तरह इधर उधर आता जाता रहता हूँ। लेकिन ये आवारगी भी जो है बहुत ज़रूरी थी ऐसा लगता है कभी कभार, पर ये भी ठीक ही है क्योंकि आराम से बैठने से या फिर आराम से इधर उधर लेटे रहने से तो कुछ खास अच्छा ही है कि चलो आज कुछ कर लिया जाए, चलो आज कुछ कर लिया जाए। आज फिर दोबारा से एक बार फिर से विंटर मनाली जो है क्यों ना घूम लिया जाए, क्यों ना घूम लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर कक्कड़ लेट्स गो। आज की डेस्टिनेशन मनाली, कम ऑन मैन। लेट्स गो नाउ। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, शिवाय नमः। तो हर बार की तरह इस बार भी पहले जय दादा श्री राम, जय ओम नमः शिवाय नमः, हर महादेव हर महादेव। तो इस बार विंटर मनाली है, थोड़ा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, हर हर महादेव। मसकली का एक बात है, जवाब नहीं है मसकली। इस बार पहाड़ों की राइड नहीं है, इस बार बर्फ़ की राइड है, ठीक है ना? और तुझे करके दिखा देना है। क्या करके दिखाना है वो तुझे खुद पता है कि तेरे को क्या कुछ नहीं करना है इस बार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, हर हर महादेव। यस, सो हियर वी गाइस, विंटर मनाली स्टार्ट फ्रॉम हियर। हियर वी गो, लेट्स गो, गो 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 गो। भैया नारायणा जो है ना 6 किलोमीटर है यहाँ से, नारायणा मेरा ऑफिस है, तो ऑफिस से छुट्टी ले ली है हमने, अर्जी लगा दी थी बहुत दिनों पहले ही, लेकिन छुट्टी आज जाके मिली है। तो छुट्टी मिली है तो इसका मतलब पूरा उसका सदुपयोग किया जाएगा। तो आइए मेरे साथ इस सफ़र का जो है लुफ्त उठाते हैं, मज़ा करते हैं इस सफ़र में। इस सफ़र का नाम जो है वो है विंटर मनाली, और विंटर मनाली जो है इस बार का मज़ेदार रहेगा क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है। क्या बात है,
और मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मिस्टर कक्कड़ राइड्स, आपको हार्दिक स्वागत है। और मेरा सेम चैनल नेम जो है Instagram पे भी है, तो आप Instagram पे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि Instagram पे YouTube पे तो आप बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपडेट्स जो है वो आती है Instagram के ऊपर में। सबसे पहले मैं निकलता हूँ दिल्ली से बाहर, फिर दिल्ली से बाहर जैसे ही निकलता हूँ फिर आप लोगों से दोबारा से बातचीत करते हैं। भाई वो ऐसा यार कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कसम से बता रहा हूँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या है आगे, क्या है पीछे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतनी स्पीड में चलाई जा रही है 50 की स्पीड में, वो तो शुक्र है लाइट आ जा रही है बीच में। जब अंधेरा होता जैसे कि अभी अंधेरा आ गया तो अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरा ब्लैंक हो जा रहा है। इसी को तो एडवेंचर राइड बोलते हैं मिस्टर। हम जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे स्पीड कम हो जाए चाहे कुछ हो जाए, आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, हाँ, पानीपत यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है तो चलेंगे ऐसे ही। बस आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे वीडियो को। छोड़ो, इतनी बार बोल चुका हूँ, देख देख के चले जाते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही नहीं है। हद हो गई है यार बिल्कुल ही, इतनी मेहनत करता हूँ, एक तो ठंड लग रही है, ऊपर से पानी की बारिश हो रही है, और ऊपर से आप लोग लाइक भी शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। अरे सब्सक्राइब मत करो तो कम से कम वीडियो देखो, लाइक करो, उसके ऊपर कमेंट मारो, ये सब चीज़ भी तो करो। लेकिन नहीं, आप लोग ये सब चीज़ तो करते नहीं है। इतनी मेहनत करता हूँ मैं यार, कसम से बता रहा हूँ, सच सच दिखाई दे रहा है। हेलमेट के अंदर से ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हेलमेट खोल रहा हूँ तो ना ओस पड़ रही है मुंह के ऊपर, मैं बीमार होने का डर है, कसम से बता रहा हूँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एडवेंचर लाइफ चल रही है ये तो यार बिल्कुल ही। भाई सूरज के अंदर जा रहा है सब, किसी तरह सूरज निकल आएगा तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा कुछ, वरना तो ऐसे ही चलती रहेगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो यार। तो भैया ऐसा है कि फर्स्ट ब्रेक जो है मट्टी के साथ में और चाय के साथ में आएगा, कसम से ठंड तो है एक बात। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हिमाचल पहुंच के कैसा लग रहा है आप लोगों को? सही लग रहा होगा। अरे वाकई में हिमाचल पहुंच गए हम, दिखाऊं कैसे? ये देखो तो फिर हिमाचल, हिमाचल का बोर्ड नज़र आ रहा है, ये है हिमाचल। तो यहाँ से अपनी जो डेस्टिनेशन है वो ज़्यादा नहीं बची, कम है, अब इंजॉय करते हुए चलाएंगे, क्योंकि धूप जो है काफ़ी अच्छी निकल चुकी है तो मज़े करते हुए चलाएँगे। तो कक्कड़ मसकली मेरी जानू, चले चल यहाँ से चलते हैं, काफ़ी सही मज़ा आ गया नहीं आज वैसे, ये तो है ही। तो अब यहाँ से कितना रास्ता बता रहा मैप यहाँ से बोल रहा है कि हम 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, 5 बजे तक पहुँच जाएंगे तो ठीक है, 5 बजे पहुँचने के बाद में हम मॉल लोड के मजे करेंगे नहीं। तो अब चलते हैं भाई, वो आज ना हम काउंट करेंगे, पहले क्या काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे टनल कितनी है लगती है, नहीं देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो टनल नंबर 1, हमने वो लास्ट टाइम पे आए थे तो लास्ट टाइम हमने टोटल काउंट की थी, हमने 11 टनल जो है ना हमने काउंट करी थी, ये टनल नंबर आ गई फर्स्ट। तो हम पहली टनल में जो है घुसते हुए, ओ भैया टनल नंबर 2, तो ये टनल नंबर आ गई 2, जैसे हम एक थे निकले वैसे ही 2 टनल नंबर आ गई, चलो तो फिर ठीक है। टनल नंबर 3, ओके।
चले यार, कहाँ देना हो गया, अब चलते हैं। तो बढ़िया टिकाऊ सस्ता खाना हमने खा लिया है, ठीक है। सस्ता नहीं था यार, एक्चुअली सही बताओ ना, उसके पास में ना चने थे, तो चने जो था ना मतलब हेल्दी टाइप का था, ऐसा नहीं था बेकार था, ठीक थे। मैंने दो खाए, 20 रुपये का एक था। अब कभी किसी ने ना, अरे भैया ओ भैया, कभी किसी ने ना सोची नहीं होगी कि मनाली जाने के लिए इतना ईजी रास्ते हो जाएंगे, इतने ईजी नहीं, जिसके ऊपर में स्पीड चल सकती है 90 की, 90-80 की स्पीड जो है ना वो आराम से इजीली चल सकती है। वाह यार, कभी सोचा नहीं था मैंने भी, मैं क्योंकि पहले जो है मनाली जाने के लिए तकरीबन लगते थे 16 से 17 घंटे, क्योंकि मैं एक बार खुद आया हूँ तब मेरे को लगे थे। आ जा भाई, तू चला जा। तब लगते थे मेरे पास में 16-17 घंटे, क्योंकि मैं जब रॉयल एनफील्ड से आया था, और अब तो मतलब कि रोड क्या लाजवाब है यार, मतलब बाहर बाहर से निकाल दिया पूरा मनाली के लिए, अंदर हिमाचल में घुसने का अलाउड नहीं, नॉट अलाउड। भैया जय श्री राम, टनल नंबर 4, ओके ओके। सीन जरूर होता मेरे साथ में ये सारे, अच्छी खासी चल रही थी, फैमिली को किसे चुकानी पड़ेगी नहीं, पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। फैमिली को किसे लेना पड़ेगा, कसम से यार, एक छोटी सी गलती होने का ना, खड़ी करी थी वो निकालने के, यहाँ पे जो लगा हुआ था ना उसको निकालने के चक्कर में ना नाश होगा, कसम से 2,500 रुपये का नुकसान होगा बेकार में। स्टैंड ही नहीं लगा पाया कसम से, नहीं इतना दुख हो रहा था ना कभी कभार, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख होता है। बहुत दुख हो रहा कसम से बता रहा, इतना दुख हो रहा है क्या बताऊँ कितना दुख हो रहा है। अच्छा खासा चलता था, अब देख कैसा हो गया ये, ऐसे नुकसान करेंगे ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। ओ भैया टनल नंबर 5 आ गई, ये टनल नंबर 5 आ गई। अरे भाई हम मांडी पहुंच गए हैं यार, हम मांडी से यहाँ से बच गया तकरीबन 100 किलोमीटर, हाँ इतना ही बचा हुआ है यार, कितना बच गया मैडम, मैडम खुद नहीं बता रही। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रानी है ही रानी, पहाड़ों की रानी। ये देख रही थी जब मैंने हाथ किया तो। यार ये गाली गलौज नहीं दे रही है मेरे चैनल में, ठीक उतार पहले उतार रहा हूँ मैं, ठीक है, ये गंदी गंदी लैंग्वेज में ना मेरे चैनल में सोची नहीं चलेगा, पहले उतार रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल चैनल है ये, इंटरनेशनल के लोग भी देखते हैं इसको। जब मैं फर्स्ट टाइम हिमाचल में आया था ना अपने मोटरसाइकिल पे, कौन सी मोटरसाइकिल पर आया था, डंडों के ऊपर में आया था, रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक पे आया था मैं, उसका नाम मैंने डंडो रखा था। तब मैंने उस टाइम पे ये नहर दिखाई थी, अपने फ़ोन से व्लॉगिंग करता था मैं फ़ोन से, तब मैंने ये वाली नहर दिखाई थी उस टाइम पे। नहर तो मस्त है लेकिन इसने भूचाल ला दिया था मांडी शहर में। अब यहाँ से पता नहीं कितना बच गया होगा, इतना ही बचा होगा, सब कवर कर लेंगे। कभी कभार ना दोपहर के टाइम में 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ना बाइक चलाने का मन नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ऐसे बंदे ना कभी इधर मोड़ जाते हैं कभी इधर मोड़ जाते हैं, मतलब कुछ भी
यार लैंडस्लाइड में एक बात तो है, सब कुछ मतलब तबाह सबा तो हो ही जाता है, नहीं एकदम से तो इतने वजनदार पहाड़ के पत्थर गिरते हैं, जैसे कि ये सामने देखो पहाड़ है पत्थर, अगर थोड़ा सा फिसलता है तो एकदम सारा आगे यहाँ पे पड़ जाएगा रोड के ऊपर में, तो ये रोड को ये जो है नुकसान ही देगा ही, और बंद का बंद हो जाएगा। लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हिमाचल में ये जो डैम दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको हिमाचल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जाता है ये सारे डैम, हिमाचल उत्तराखंड हर जगह, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एक जगह, स्टोरेज करते हैं, फिर उसको प्रेशर से करते हैं, छोड़ते हैं पानी को, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का कुछ होता मतलब बस। अब मैं इतना टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन हाँ होता ज़रूर है। अब ये वाला जो रास्ता है थोड़ा सा तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक का ऐसा ख़राब है, ये हमने लास्ट टाइम में भी देखा था, और यहीं पे मेरे को रिकग्नाइज हुआ था, मैंने अपनी घड़ी जो है होटल में छोड़ दी थी। डैम बढ़िया, पर जब मैं यहाँ पे 1-1.5 महीने पहले आया था ना, अभी स्पीति मैंने राइड्स की थी, तब उस टाइम पे ये वाला रोड जो है ना बना नहीं था, क्योंकि इसलिए नया नया दिखाई दे रहा ना, क्योंकि इसी रोड के कारण जाम लग रहा था उस टाइम पे, आगे की घंटे का 2-2 घंटे का, कमाल का था यार वो जाम वैसे उस टाइम पे, लेकिन बाइक वालों को अलाउड था इसलिए मैं निकल के आ गया था। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से लेकर गया था रॉन्ग साइड, तब मैं इस जाम से निकल पाया था, लास्ट टाइम जब स्पीति से आया था ना, तो इस वाले रास्ते से मैं लेकर के आया था रॉन्ग साइड से, तब निकल पाया था, और जब स्पीति से लेकर के आया था तब मेरी ये वाली बाइक जो है यहाँ पर गिरी थी, और यहाँ पर गिरने से क्या हुआ था, कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि बाइक बंद हो गई थी और गिर गई थी, जैसे आज हुआ वैसे ही हुआ, उस दिन भी हुआ, स्टैंड लगाना ही भूल गया, लेकिन उस दिन नुकसान नहीं हुआ था, आज मेरे को नुकसान हो गया, यही हाल था बस, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो बस इससे ज़्यादा क्या ही करें, लेकिन ऐसे बंदे आ जाते हैं दिल्ली से पता नहीं कहाँ से, इन लोगों को एक्सपीरियंस होता नहीं है मेरे ख्याल से, गड्ढा देखा नहीं साइड में मोड़ दिए, और ये नहीं देखता कि साइड में कोई चल भी रहा है नहीं चल रहा है। अगर दिल्ली वालों मेरी वीडियो देख रहे हो थोड़ी अक्कल उक्कल ले लो, सच में बता रहा हूँ, चाहे बेशक से अनसब्सक्राइब कर दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज्ञान की बात बता रहा हूँ, जब एकदम से मोड़ दो ना पीछे भी देख लिया करो। यहाँ से मनाली बच गया 37 किलोमीटर, और हमारा होटल जो है वो बच गया 40 किलोमीटर। इस बार हमने होटल जो है पहले से ही देख के रखा हुआ है, हमने इस बार कमाल किया हुआ है। वैसे यहाँ से अगर इतना बच गया तो 1 घंटे का रास्ता बचा हुआ है, तो मतलब कि मैं 5:30 तक पहुँच जाऊँगा, फिर रात के टाइम में जब ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तब आराम से बैठ के मॉल रोड घूमना है, मॉल रोड की ठंड देखेंगे, मॉल रोड में देखते हैं यहाँ पर मनाली में कैसा दिखता है कैसा नहीं है ना। तो अभी तो जैसे पहुंचते हैं, घट जाऊंगा ऐसे जुड़ मुझसे तू घट जाऊं मैं क्या बात है भाई क्या बात है, ये सामने मतलब कि बाइक तो बढ़िया है यार, एक बात है हिमालयन थी एक बात है, इसका भी जाल हुआ था अपने आप नहीं, ये देख ठंड लग रही है फिर भी मतलब क्या है इससे पहन के आई है, जालीदार पैंट पहन के आई है वो। लव कुल्लू थोड़ी देर बाद में आई, लव मनाली भी आएगा,
तू ले जा भाई, तू ले जा, हम बाद में आ जाएंगे, ले जा ले जा ले जा, तू पहला पहुँच जा, बड़ा तू पहुँच के प्रधानमंत्री का उद्घाटन करेगा, जा कहने जा। अरे ये पैराशूट देख रहे हो, कितना मस्त लग रहा है, मस्त ही मस्त है, मतलब क्या ही बोले। पैराग्लाइडिंग, ये था मनाली का डिजास्टर जब मनाली में बाढ़ आई थी, इस डिजास्टर के कारण से मनाली का सत्यानाश हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और मनाली यहाँ। हेलो यू गाइस, गुड मॉर्निंग, नई सुबह के साथ में। तो कल शाम तक जो है मैं मॉल रोड तक पहुँच गया था, गोप्रो की जो बैटरी है डिस्चार्ज हो गई थी, तो ब्लॉग का जो है अंत मैं कर नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि कल जो है आते आते थोड़ा सा थक भी गया था और लेट भी हुआ। लेकिन अब क्या करते हैं, अब उड़ाते हैं यहाँ से ड्रोन, ये रखा हुआ नीचे ड्रोन, और ड्रोन उड़ाते हैं और ड्रोन शूट जो आपको दिखाते हैं, और ड्रोन शूट में ही जो है आप लोगों को फर्स्ट ब्लॉग में बोलते हैं बाय बाय। तो ड्रोन शूट जो है वो देख के जाना, स्टार्ट करते हैं ड्रोन।